जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीर। हमारा ये जो शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच स्थूल भूत महाभूतों से बना हुआ है और यही जो पांच तत्व हैं आपके स्वास्थ्य का राज भी इन्हीं में छिपा हुआ है। यदि आप पांच तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं और पांच तत्वों को एनर्जाइज और एक्टिवेट कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर तो आप रोगों से काफी दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और किसी तरह की आदि और व्याधि आपके जीवन में नहीं आएगी। किंतु वो तरीका क्या है और कैसे पंच तत्व शोधन किया जाता है तो ये जो क्रिया आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है पंच तत्व शोधन साधना, कि जो ये पांच तत्व हैं इनका शोधन कैसे करें जिससे हम स्वस्थ रहें। हमारा जो पूरा सिस्टम है बॉडी, क्योंकि हमारा जो शरीर है तीन भागों में बटा हुआ है, कारण शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तो ये तीन जो शरीर हैं ये अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्थूल शरीर की जानकारी सबको होती है किंतु सूक्ष्म शरीर जिसको बायो बॉडी बोलते हैं या बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी बोलते हैं या दिव्य कांति बलय बोलते हैं, आभामंडल बोलते हैं, ये जो शरीर है इसके प्रति उपेक्षा हो जाती है और यही कारण है कि फिर हमारे जीवन में शारीरिक आदि व्याधियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो पांच जो तत्व हैं पंच तत्व शोधन साधना पे हम चर्चा कर रहे हैं। जो पहला तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है जिसको हम बोलते हैं रूट चक्र, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर होता है, बिल्कुल वो है मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और मूलाधार चक्र के देवता है गणेश जी। जो शक्ति मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती है, एनर्जी देती है, उसका नाम है गणेश। गणेश का मतलब होता है कि वह शक्ति जो आपको बुद्धि और विवेक देती है, वह शक्ति जो पृथ्वी तत्व का शोधन करती है और जो आपको एक बेस आधार जो है आपको प्रदान करती है। तो अब जो है हम पृथ्वी तत्व को शोधन करेंगे गणेश की शक्ति को जागृत करके, मूलाधार चक्र की शक्ति को जागृत करके। और जो मूलाधार चक्र की जो शक्ति है उसका जो बीज है लंब बीज की शक्ति को जागृत करना पड़ता है और जो उसकी मुद्रा है वो गणेश मुद्रा है। तो गणेश मुद्रा में लंब बीज का उच्चारण जो है मूलाधार चक्र की शक्ति को जागृत करता है और उसका जो वर्ण कलर है वो रेड कलर है। तो आपने पहले मुद्रा बनानी है, देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इसको ऐसे लॉक करेंगे तो ये गणेश मुद्रा, आप सब लोग बनाइए ऐसे करके, ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, इसको ऐसे करेंगे तो ये गणेश मुद्रा बन जाती है। नाभि के निचले हिस्से में हल्का सा प्रेशर डालिए, नाभि के निचले हिस्से में हल्का सा प्रेशर डालेंगे। आपने क्या करना है, एक लंबा श्वास भीतर भरना है, लंबा दीर्घ श्वास और लंब बोलते हुए लंब बीज का उच्चारण करते हुए आपने छोड़ना है। आंखें बंद रखनी है, जो आपका रूट चक्र है मूलाधार चक्र है या तो उसमें आप गणेश जी को विजुलाइज करेंगे और या फिर रेड कलर को विजुलाइज करेंगे। कलर को मेडिटेट करने का मतलब होता है लेशापेक्षा, कलर मेडिटेशन वो अपना पूरा काम करेगा। और या फिर आप गणेश जी की इमेज को, छवि को जो है विजुलाइज करेंगे अपने रूट चक्र मूलाधार चक्र पे। तो आप एक बार देख लीजिए कैसे करना है। आपने दीर्घ श्वास लेना है श्वास, जितना दीर्घ लेंगे उतना ही अच्छा होगा और जितना धीरे धीरे छोड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। नेत्र बंद रहेंगे और रूट चक्र मूलाधार चक्र पे आप लंब बीज का भी ध्यान कर सकते हैं, रेड कलर को मेडिटेट कर सकते हैं, गणेश जी को वहां पे मेडिटेट कर सकते हैं। चलिए दोबारा शुरू करेंगे, डीप ब्रीथिंग लंबा श्वास इनहेल श्वास भीतर भरे लॉन्ग।
श्वास भीतर। लंबा श्वास भीतर भरेंगे। तो इस प्रकार से ये कम से कम 5 मिनट आप करेंगे। 5 मिनट का मतलब एक माला आपकी पूरी हो जाएगी, 108। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं जल तत्व का शोधन। पृथ्वी तत्व का शोधन हमने किया गणेश जी के बीज मंत्र का, लम बीज का उच्चारण करके, रेड मेडिटेट करके, रूट चक्र पर ध्यान लगा करके। अब हम शोधन करें जल तत्व का शोधन। तो जो जल तत्व है उसके देवता विष्णु है, और जो बीज मंत्र है उसका वम, व के ऊपर बिंदी, तो वम वम उसका बीज मंत्र है। और नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है वो स्वादिष्ठान चक्र के नाम से वो जाना जाता है, जिसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। और ये आपका इतना महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है जिसमें आपकी किडनी, लिवर, पैनक्रियास, सारा सिस्टम आपका एडजस्ट करता है। तो ये जो बीमारियां हैं ये स्वादिष्ठान चक्र के कमजोर होने से होती है। जब आप इसकी शक्ति को जागृत करेंगे तो ये जो लिवर, किडनी, पैनक्रियास से रिलेटेड जो आपको बीमारियां होती हैं उससे आप दूर रहेंगे, बचे रहेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे कि शंख मुद्रा लगाएंगे। शंख मुद्रा का सीधा संबंध विष्णु से है और स्वादिष्ठान चक्र से सैक्रल चक्र से है, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है आपके स्वादिष्ठान चक्र पे, सैक्रल चक्र पे। शंख मुद्रा का जो नियम है, लेफ्ट हैंड आप पहले सीधा रखेंगे, अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का अंगूठा पकड़ लीजिए। राइट हैंड का अंगूठा बिल्कुल सीधा रहेगा, बाकी जहां से ये उंगलियां मुड़ रही है यहां तक जो है आपकी ये तर्जनी वाला, लेफ्ट हैंड की जो तर्जनी वाला क्षेत्र है वो यहां से जुड़ जाएगा। और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड की तर्जनी है, फर्स्ट फिंगर है, और राइट हैंड का जो अंगुष्ठ है, थंब है, वो कंबाइंड हो जाएगा। इसकी जो शक्ल जो दिख रही है वो शंख जैसी शक्ल बन जाती है, ये आपकी शंख मुद्रा हो गई। और इस शंख मुद्रा को आप हृदय पटल पर लाएंगे, यहां पर इसको रखें, उंगलियां बिल्कुल सटी हुई होंगी, आपस में एक दूसरे से सटी हुई होंगी, ये शंख मुद्रा बन गई आपकी। और शंख मुद्रा में आपने क्या करना है, भगवान विष्णु को मेडिटेट करना है, लंबा श्वास भीतर भरना है, और वम बीज का उच्चारण करना है, और जो नाभि के नीचे वाला जो भाग है ये जल तत्व का क्षेत्र है, इसके देवता विष्णु है, बीज इसका वम है, और इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, यानी संतरी रंग को आप मेडिटेट करेंगे। और या फिर भगवान विष्णु को शेष शैया में लेटे हुए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए, इस रूप में आप जो है उनको विजुलाइज करेंगे, मनी मन में मेडिटेट करेंगे, और बीज मंत्र को चांट करेंगे, चारण करेंगे, वम बीज मंत्र को चांट करेंगे। आपने जितना लंबा सांस डीप लेना है उतना अच्छा रहता है, और वम शब्द को उच्चारण भी उसी ढंग से करना है, बिल्कुल एक सिमेट्री होनी चाहिए, ताल और लय के साथ आपने करना है। कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है। अब आप एक लंबा श्वास लीजिए, बोलने में जल्दी ना करें, एक साथ बोलिए सब लोग, देखिए एक साथ श्वास लेंगे लंबा। Vamos, vamos, vamos.
टाइम भी होता है इसमें, लंबा श्वास आप भीतर भरते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, और जो शंख मुद्रा आप लगा के रखते हैं ऑरेंज कलर को मेडिटेट करते हैं, भगवान विष्णु को मेडिटेट करते हैं, इससे क्या होता है जल तत्व का शोधन होता है। विष्णु कौन है? पालन पोषण करने वाले देवता है, पालन पोषण करने की सामर्थ्य भी बढ़ती है। जिन लोगों को काम धंधे में रुकावट आ रही है, रोजगार में दिक्कतें आ रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको विष्णु को मेडिटेट करना चाहिए, विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि उनके जीवन में पालन पोषण संबंधी समस्या दूर हो। और ये जो आपका चक्र है सैक्रल चक्र है, ये आपका पूरा वाइटल ऑर्गन्स जो आपकी किडनी लिवर पैनक्रियाज है स्वस्थ रहे, इसलिए भी जो है सैक्रल चक्र पर मेडिटेट किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है और जल की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। तो अब अग्नि तत्व के ऊपर हम बताने जा रहे हैं, नाभि पे जो आपका सोलर प्लेक्सस होता है। अभी हमने शोधन प्रक्रिया में मूलाधार चक्र को ले लिया, स्वाधिष्ठान चक्र को ले लिया, अब हम आते हैं मणिपुर चक्र जो आपका नेवल रीजन है, नाभि वाला क्षेत्र है मणिपुर चक्र, इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। इस शक्ति केंद्र के देवता है भगवान सूर्य। सूर्य क्या है? आरोग्य को देने वाले हैं। अगर कोई भी रोग है तो उस रोग को काटने की सामर्थ्य भगवान सूर्य में है। आपको विधि का पता होना चाहिए कि सूर्य की ऊर्जा को कैसे ग्रहण किया जाता है। जैसे आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उसी तरीके से सूर्य के माध्यम से आप किस प्रकार से उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जो है जो आपका रिंग फिंगर और थंब इसको कंबाइन करेंगे, तत्व मुद्रा, सूर्य मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ये वाली मुद्रा लगाएंगे। आप पता आपको सनलाइन यहाँ होती है, सूर्य रेखा होती है, तो ये सूर्य, सूर्य मुद्रा, तो ये आपकी जो रिंग फिंगर है कंबाइंड विद थंब, इसमें आपकी गद्दियां मिलनी चाहिए, नाखून नहीं मिलना चाहिए, तो ये मुद्रा होगी। और आपने ऐसे घुटनों में हाथ रखना है, और जो नेवल है आपका नाभि वाला जो क्षेत्र है उसमें आप विजुलाइज करेंगे येलो कलर को, पीले रंग का, पीले वर्ण का ध्यान करेंगे, पीत वर्ण का ध्यान करेंगे, और इस जगह पे आप राइजिंग सन को भी विजुलाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे। राइजिंग सन सुबह जो उगता हुआ सूर्य होता है समुद्री तट पर और समुद्री छोर पर जो सूर्य उगता हुआ दिखता है, ठीक वही सूर्य को मेडिटेट करना है आपने नेवल पे, नाभि चक्र पे, यहाँ पर आप मेडिटेट करेंगे। इससे अग्नि तत्व का शोधन होगा, और बीज मंत्र इसका रहेगा रम। रम जो है अग्नि का बीज मंत्र है, इससे अग्नि आपकी जठराग्नि प्रचंड होती है और मंदाग्नि दूर होती है, खाया पिया आपका हजम होगा और शरीर पर लगेगा। तो ये आपका सेंटर है, सेंटर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लंबा श्वास भीतर भरेंगे, सन को मेडिटेट करेंगे आप मणिपुर चक्र पे, और रम बीज को चांट करेंगे, उसको उच्चारित करेंगे। तो लंबा श्वास लीजिए, रम आपने क्या किया, अग्नि तत्व का शोधन किया और नाभि चक्र को एक्टिवेट किया, सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट किया, इससे आपका ये चक्र एक्टिवेट होगा तो शरीर के अंदर पूरी ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। सूर्य की जो एनर्जी है वो सूर्य को देखने से नहीं आती है बल्कि उसको मेडिटेट करने से आती है, उसके मंत्र का जाप करने से आती है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आती है। तो यहाँ पे आपने जो है सूर्य की ऊर्जा को एक्टिवेट किया, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट किया, उससे क्या हुआ स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलेगा, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। और जो अग्नि है उसकी उत्पत्ति होती है वायु से,
और वायु का जो क्षेत्र है आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र बोलते हैं उसको, हार्ट चक्र जहां आपका थाइमस ग्लैंड का रीजन है, तो ये हृदय की जो नस नाड़ियां हैं वो स्वस्थ रहती है, हृदय को बल मिलता है अनाहत चक्र पर मेडिटेट करने से, हृदय आपका प्रफुल्लित रहता है, मन में करुणा और दया का भाव उपजता है हार्ट चक्र पर मेडिटेट करने से। और हार्ट चक्र की अधिष्ठात्री है माँ भगवती दुर्गा, और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम, यम के ऊपर बिंदी, यम बीज मंत्र। और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप भगवती को मेडिटेट करेंगे हृदय चक्र पे, हार्ट चक्र पे, अनाहत चक्र पे, और यहाँ का जो कलर है वो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को मेडिटेट करेंगे, हरा रंग को आप ध्यान करेंगे। हरा रंग का ध्यान शांति लाता है, स्थिरता लाता है, प्रसन्नता लाता है। तो इस कलर को जो ये हीलिंग कलर है, ग्रीन कलर जो है हीलिंग कलर होता है, तो ये आपको हील करता है और आनंदित करता है। तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर को मेडिटेट करेंगे और भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप जो है शक्ति मुद्रा लगाएंगे और वज्रासन पे बैठेंगे। जो लोग वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं वो अपना साधारण आसन पे बैठेंगे, बाकी लोग वज्रासन पे बैठेंगे, दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं करना, सिर्फ अलग अलग रखना है। और इस तरह से बैठ जाएंगे वज्रासन में, वज्रासन पर बैठ करके कमर तब भी सीधी रहेगी आपकी, गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी। और ये शक्ति मुद्रा एक मुट्ठी, लेफ्ट मुट्ठी ले लीजिए, लेफ्ट मुट्ठी ले लीजिए और इसके ऊपर दूसरी मुट्ठी ऐसे कर लीजिए, ये आपकी शक्ति मुद्रा है। आपने एक लंबा सांस लेना है और जो है यम बीज को उच्चारित करना है। क्या करेंगे? यम बीज। तो लंबा सांस लेंगे, और हृदय चक्र दुर्गा भगवती की शक्ति को जागृत किया यम बीज के उच्चारण के साथ। और जब भगवती की शक्ति जागृत होती तो जो भी आपके शत्रु होते हैं, जो भी आपके बैरी होते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि जीवन का एक नियम है कि आपने सबसे पहले जो है अपने बुद्धि और विवेक शक्ति को जागृत किया गणेश के माध्यम से, गणेश जी को ध्यान करके, उनका मंत्र का जाप करके, फिर आपने पालन पोषण की शक्ति बढ़ाई भगवान विष्णु के कृपा से, फिर आप सूर्य की कृपा से स्वस्थ हो गए और हृदय चक्र पे जो है जो आपके बैरी थे उनको भी आपने दबा दिया। तो कुल मिला के जीवन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो आप पूरा कर चुके हैं, किंतु एक उद्देश्य रह जाता है सद ज्ञान, एक निर्मल ज्ञान जो होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी रह जाती है। और आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति है वो भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है भगवान शिव की आराधना से, और भगवान शिव जो है आकाश तत्व के देवता है जो कि आपका कंठ पे है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। तो यहाँ पर आप भगवान शिव को मेडिटेट करेंगे और ब्लू कलर को मेडिटेट करेंगे, क्योंकि जो वायु की उत्पत्ति है वो आकाश से बताई हुई है, आकाश माने शब्द। तो ये शब्द का क्षेत्र है, वाणी का क्षेत्र है आपका कंठ, और ये कंठ जो है इसके अधिष्ठाता देवता है भगवान शिव। तो भगवान शिव को मेडिटेट करिए या ब्लू कलर को मेडिटेट करिए। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा का विशेष महत्व है। तो आपने बाएं हाथ ऐसे रखिए, बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के ऊपर मुट्ठी और ये अंगूठा बिल्कुल सीधा, तो ये आपकी लिंग मुद्रा कहलाती है, इसको लिंग मुद्रा कहते हैं। और अब आपने जो है हम बीज का
उच्चारण करना है, हौ के ऊपर बिंदी, हम बीच, और लंबा श्वास भीतर बनना है। एक बार पहले देख लीजिए कैसे उच्चारण करना है, तरीका से देख लीजिए। आपने लंबा सांस लिया, चलिए शुरू करें, लंबा सांस लीजिए। चक्र के जागर करने से एक तो वाणी के अंदर ऊर्ज और तेज की वृद्धि होती है, वाणी के अंदर मधुरता आती है, कठोरता खत्म हो जाती है, वाणी का आकर्षण बढ़ता है, आप दूसरे व्यक्ति को इंप्रेस कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये जो तत्व है आकाश तत्व, उसके दूर का ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, भगवान शिव की कृपा से, वो जगत गुरु है, तो उनको यहाँ पर हम लोग मेडिटेट करते हैं। पांच तत्वों से ही शरीर बना है, पांच तत्वों के शोधन से ही शरीर स्वस्थ रहता है, और इसका जो समापन होता है पंचतत्व शोधन का, वो समापन होता है तीन बार गायत्री मंत्र बोला जाता है, और ये नमस्कार मुद्रा है। तो नमस्कार मुद्रा में आप पूरा हाथ परस्पर सटा हुआ होता है, उंगलियां परस्पर सटी हुई, ये एक तरह का एक्यूप्रेशर है। ऐसा कोई केंद्र नहीं है जो आपका दब नहीं रहा हो, जितने भी पॉइंट्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड वो सारे प्रेशर में सब दब रहे हैं। उसके बाद इसको आप यहाँ पर ले आइए हृदय के पास, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पर प्रेशर डालिए, ये आपने प्रेशर डाला, फिर उसके बाद जो अंगूठे का रुख कंठ की तरफ जाएगा और उंगलियां परस्पर सटी हुई होंगी, और यहाँ पे आज्ञा चक्र जो आपका थर्ड आई होता है, मन माया दिल द्वारिका काया काशी जान और दसम द्वारे दिहुरे तामे ज्योति पहचान, ये जो आपका प्रकाश केंद्र है थर्ड आई आज्ञा चक्र जो है आपका, इस पे आपने प्रकाश की जो लॉ होती है लाइट, उसको विजुलाइज करना है। जैसे ज्योत जलती है, दीप शिखा जो होती है उसको आप मेडिटेट करेंगे और तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले एक बार सुन लीजिए किस ढंग से उच्चारण करना है, उसके बाद फिर मिल करके सभी लोग उच्चारण करेंगे। तो ये मुद्रा हो गई, और एक बार पहले सुन लीजिए, लंबा सांस लेना है इसमें भी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबा सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबा सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायते त्रायते च इति गायत्री, जो गाने वाले का त्राण करे वह गायत्री है। 20,000 वेद मंत्रों का सार मंत्र गायत्री है। भगवान की स्तुति प्रार्थना और उपासना का नाम गायत्री है और यही संध्या का मंत्र है। और बिना इस मंत्र के जाप के आपकी दिनचर्या पूरी नहीं होती है। कम से कम 10 बार नहीं तो 108 बार गायत्री जप होना ही चाहिए। और ये जो साधना है, इस साधना को, पंच तत्व शोधन साधना को, गायत्री मंत्र से ही विराम देना चाहिए। तो इसमें आप 3 बार या 10 बार इस मंत्र को अंत में रिसाइट करेंगे प्रार्थना मुद्रा के साथ, तो ये आपकी डेली प्रेयर पूरी हो जाती है। जिसके पास समय नहीं है वह व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को कर सकता है। कम से कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं इस साधना के माध्यम से। और जब अपना आसन छोड़ें तो माँ पृथ्वी को नमस्कार करके और फिर जो है आप अपना स्थान छोड़ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति।